दोस्तों, समसमाई के 14 अगस्त में आपका स्वागत है। आज वीडियो से इस लेट आई है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, इंग्लिश वाली मैंने डाल दी थी ऑलरेडी। ठीक है, पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है हमारा है, वो है नवे गांव नैगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ठीक है, न्यूज़ निकल के आई, थोड़ी सी दर्दनाक न्यूज़ है, पर ये समझ लो कि ये महाराष्ट्र में। पहले ये जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये महाराष्ट्र में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक यंग जो टाइगर है रिसेंटली वो मृत पाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाल ही में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मुडरौली गांव के पास एक युवा नर बाघ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये बहुत सैड न्यूज़ था। और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में जाने तो स्थान जो है महाराष्ट्र के गोविंदिया संकारा जिले में है। ठीक है, और अगर बात करूँ इसके बारे में, थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो ये आपका एक ही नहीं बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को भी जोड़ता है। और फ्लोरा की बात करें तो 364 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में निकल के आई है। और जो टाइगर रिजर्व के ऊपर न्यूज़ निकल के आती है, उसी से यूपीएससी पूछता है। जितने भी टोटल टाइगर रिजर्व हैं जो 1-1.5 साल में न्यूज़ में रहा, ठीक है, उसी से यूपीएससी पूछ देता है। ठीक है, और ये जो पहला न्यूज़ है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में था, क्योंकि आप लोग सिर्फ जागरण पढ़ पा रहे थे और आप लोगों को कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा था, तो हमने सिर्फ ये किया। बस थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझाऊंगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ग्लाइफोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नागजीरा टाइगर रिजर्व है यही है। ठीक है, ये जो देख रहे हो यही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाई देख लो ये है। ठीक है, तो ग्लाइफोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम ने इसे कवर किया था। कह रहा है, यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शाकनाशी है जो कुछ खरपतवारों और घासों को मार सकता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें कह रहा है, वो कह रहा है यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप भूजल में रिसाव होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल वही था, करेक्ट, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पहला करेक्ट है। अब न्यूज़ में क्यों है, थोड़ा सा ये देख ले हम लोग क्या हुआ है। पहले आप एक बार देख लो फिर से फोटो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेषज्ञों ने हाल ही में कीटनाशक विक्रेताओं को ग्लाइफोसेट की बिक्री और भंडारण के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इसके संपर्क में आने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सोचो, ठीक है, और धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ग्लाइफोसेट के बारे में बात करें तो ग्लाइफोसेट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शाकनाशी है जो कुछ खरपतवारों और घासों को मार सकता है। ठीक है, उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ वानिकी और लॉन उद्यान देखभाल में भी किया जाता है। ग्लाइफोसेट कमजोर बंधनों वाली रैखिक कार्बन श्रृंखला से बना एक छोटा अणु है जो पर्यावरण में ग्लाइफोसेट को कम स्थानीय बनाता है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तीसरा न्यूज़ जो निकल के आ रहा है, न्यूज़ ऑन एयर पे था, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। पहले होता था कि अगर क्राइम को एक जगह कर लिया, दूसरी जगह सेटल हो गया, तो वह नहीं। अब क्या है कि सब जो भी क्रिमिनल लोग, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जैसे उसका रिकॉर्ड डेटा में रहेगा, बस अंगूठा चिपकाएगा और पूरा का पूरा डेटा जो है वो किसी भी रीजन से कहीं भी अरेस्ट हुआ है वो चिपकाते के साथ ही पता चल जाएगा इससे पहले इसने किस क्या क्या कांड कर रखे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए न्यूज़ में निकल के आई हमारा। और इसमें जो है वो पहला स्ट्रीम कर रहा है, अपराध और आपराधिक संबंधी उंगलियों के निशान का एक अखिल भारतीय खोज योग्य डेटाबेस है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, NCRB। तीसरा इसमें लिखा हुआ है, यह अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक अपराधी को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट, ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में है। तो
तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है इसमें वो करेक्ट है। अब स्पष्टीकरण देख लें। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के डिजिटल परिवर्तन श्रेणी वन के लिए सरकारी प्रक्रिया सुरक्षा उत्कृष्टता के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए NCRB की NFIFISS की टीम की बधाई दी। ठीक है, इसको पूरा बताता हूँ आपको। नाफिस इसको बोलता है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। चलिए तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसमें थोड़ा और है, इसे 1970 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 2012 में। इसी के होते इम्पोर्टेंट नहीं था जो था मैंने बता दिया। अब आते हैं मेलेनिन, जो आपका स्किन का टेक्सचर काला करता है ना, जो सन के रेज में आने के बाद, कॉन्टैक्ट में आने के बाद। ठीक है, तो यही आपका बाल हेयर कलर सब डिसाइड करेगा, चेहरा डिसाइड करता है। मेलेनिन आपके शरीर में कितना है वो डिसाइड करता है आप पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को। ठीक है, leslie.com में ये आपके शरीर में एक पदार्थ है जो बाल, त्वचा, आंख का रंग पैदा करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, अधिक मेलानिन वाले लोगों की त्वचा, आंखें और बाल आमतौर पर कम मेलानिन वालों की तुलना में हल्के होते नहीं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें पहले इसका। स्पष्टीकरण में कहें, भारतीय मूल के शोधकर्ता ने अपनी टीम के साथ हाल ही में पिगमेंटेशन से जुड़े 135 नए मेलेनिन जीन की पहचान की है। एक तो झेला नहीं जा रहा था, 165 और आ गया। ठीक है, मेलेनिन के बारे में बात करें, मेलेनिन आपके शरीर में पदार्थ है जो बाल, आंख, त्वचा का रंग पैदा करता है, मतलब डिजाइन करने वाला यही है। ठीक है, यह मानव और जानवरों की त्वचा में अलग अलग मात्रा में मौजूद है और इसकी अनोखी आंख, बाल और त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। द प्रिंट ने उसको कवर किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में दो स्टेटमेंट। यह वसा में घुलनशीलता विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में नहीं पाया जाता, तो ये तो हमारा गलत है। यह विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त के गठन और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो ये तो बिल्कुल जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मिल जाए आज का आज ही। हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जिन रोगियों के रक्त में विटामिन का स्तर कम है, उनके फेफड़े की कार्यक्षमता कम होने और अस्थमा, क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव पल्मोनरी और गर्माहट से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सबका ध्यान, मतलब तो जो आपके आसपास में है, कोई नेबर है आपके, तो ये आपका ध्यान रखना है। विटामिन के वाले अगर कोई है तो उनका बहुत प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है ना, खून का क्लॉट नहीं बनता, जो है ना यूके के जो महारानी लोग हैं उनके साथ भी यही बीमारी, हेमोफीलिया बोलते हैं उसे, तो ये बीमारी का फेस फॉलो भी कर ही रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लायन मैरी डिजीज, तो ये है लिजनर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। द हिंदू से लिए गया, सीधा बता दो आपको। ठीक है, और दूसरा, यह केवल बीमारी है जो फेफड़ों के को प्रभावित करती है। बिल्कुल, यह बीमारी के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई भी टीका अभी तक जो है इसके लिए उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और पढ़ लें डिटेल में। ब्रिटिश सरकार में हाल ही की एक आवासीय नाव पर क्षय धारकों को पहली बार नुकसान हुआ क्योंकि वह नाव पर लिजियोना का अवशेष पाया गया। ठीक है, और ये अवशेष जो है वो एक्चुअली बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इस तरह के रोग के निर्णय फ्रेंड्स की सूजन का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर समागमन का कारण बनता है। यह
लिजियोना नामक बैक्टीरिया वाला ये है, देखा है तो एक तरह से बैक्टीरिया ही है और क्या। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा डिटेल है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। न्यूज़ जो है वो है कोकोपोनिक्स, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, www.pib.join पे था। ठीक है, इसे हमने कवर किया है क्यों, क्योंकि ये एक, अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्पेस हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तो यह यहाँ पे थोड़ा सा देख ले। हाल ही में केंद्रीय कृषि और जो ये है हमारा, ठीक है, मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि ICR, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने हाइड्रोफेनिक्स का एक प्रकार विकसित किया है। ठीक है, हाइड्रोफेनिक्स उत्पादक और जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी रहित खेती के लिए, प्रारंभिक खेती के अतिरिकों के महत्वपूर्ण सब है। ठीक है, दूसरा, हाइड्रोफोनिक्स भारत में एक नए अवधारणा और उद्यमियों की और नवोशेषी किसान के बीच लोकप्रियता शामिल करते जा रहा है, तो ये टेंशन वाली बात है जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संदर्भ में लिखित के तौर पर विचार करें, न्यूज़ ऑन एयर ने इसे कवर किया है। इनमें प्रधानमंत्री जो है वो जन औषधि परियोजना के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, एक व्यक्तिगत उद्यमी नए जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। अभी हमारे रेल मंत्री जो हैं, ठीक है, रेल मंत्री देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इसमें क्या वो जेनरिक मेडिसिन का नाम सुना है ना आपने, जो 80% डिस्काउंट देते हैं, तो अभी तक प्लेटफॉर्म पे एड्स नहीं अटैच्ड है। जिनके पास बी फार्मा डी फार्मा लाइसेंस लेके आप भी चाहे तो अपना एक वहाँ पर बैठ के ये कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो जेनरिक मेडिसिन ना भी खोल सकते, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा आपको चाहिए होगा। तो इनमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के तहत स्थापित किया गया है, जिसे नवंबर 2008 में रसायन और उत्तरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि यही प्रोसेस है, एक बार इसे पूरा गो थ्रू कर लेना अच्छा रहेगा। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ऊपर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द हिंदू से कवर किया है, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, जो जनसंख्या के क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन का समर्थन करती है। यह जनसंख्या में से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट पढ़ ले तो आपको अलग कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा कुछ इसी में दिया रहता। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाए। और आज का हमारा ये शायद, हाँ, लास्ट न्यूज़ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट के संदर्भ में न्यूज निकल के आया, द हिंदू ने इसे कवर किया है। ठीक है, इसे भी भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, बिल्कुल सही है। इसे आयुर्वेद के लिए कमजोर प्रजातियों के लिए सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नहीं सॉरी, टू नहीं, गलत था, थ्री करेक्ट था, ये गलत है। तो रेड लिस्ट में ये कमजोर नहीं है, अभी तो लीस्ट कॉन्सर्न पे है। इसे एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर न्यूज़ को इंट करते हैं। लीस्ट कॉन्सर्न में याद रखना अभी IUCN के लिस्ट में। ठीक है, हाल ही में एक नए अध्ययन में पाया गया कि भारत की
चमगादड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ अपने दिन का 7% समय पर्यावरण के प्रति सतर्क रहने में बिताती है। बहुत बड़ी बात है, ये लोग भी सोच रहे हैं लेकिन हम लोग सोचना बंद कर दिया। ठीक है, यह भारतीय महाद्वीप के मूल निवासी उड़ने वाली लोमड़ी की एक प्रजाति है। यह दुनिया में सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। ठीक है, तो यही इस न्यूज़ में था आज का। थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए मुझे फास्ट लिया। कल से फिर वीडियो टाइम पे मिलेगी और आपको आरामदायक मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।